हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है, जो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मार्केटिंग मिक्स, जो कि आईबीओ 2 से रिलेटेड है, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने ये क्लास 11 12th में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तो बिना समय बर्बाद किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सो मार्केटिंग मिक्स, जैसा कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मिक्स करने की बात की जा रही है। मिक्स एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो चार शब्दों से मिलकर के बना है, चार फैक्टर से मिलकर के बना है, चार एलिमेंट से मिलकर के बना है। एक है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन और चौथा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चार चीजों से मिलकर के हमारा मार्केटिंग मिक्स बनता है। और किस तरीके से ये मार्केटिंग मिक्स हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मार्केटिंग, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स, और जब हम ये करेंगे उसी में आपको ये क्लियर होता जाएगा कि किस तरीके से ये जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट रिक्वायर्स सेवरल एक्टिविटीज टू बी डन। टू बिगिन विद अ कंपनी में चूज टू एंटर इन वन और मोर सेगमेंट ऑफ अ मार्केट, सिंस इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कवर द एंटायर मार्केट। यहाँ जो बात बोली गई वो ये है कि जो मार्केटिंग होता है यहाँ पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, कि बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करने पड़ेंगे, है ना। तो कंपनी जो है चूज कर सकती है कि उनको किस किस सेगमेंट में काम करना है, किस किस सेगमेंट में काम नहीं करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे के पूरे मार्केट को एक तरीके से कंपेयर, मतलब एक तरीके से अपने अंडर में कर लो, है ना, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो आप डायरेक्टली सारे सेगमेंट्स को टारगेट नहीं कर सकते, आपको पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको अपना नीश क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो आप अगर एक तरीके से पूरे मार्केट को अगर आप कवर करने जाओगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ भी ना आए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नीश क्रिएट करो एंड देन आपको जो है अपने सेगमेंट के ऊपर काम करके हो उसको जो है हासिल करना होगा, जो भी आप करना चाहते हो। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ अ बाथिंग सोप फॉर एग्जाम्पल में एम एट वर्किंग क्लास इन द मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स एज हिज टारगेट कंज्यूमर। तो सपोज कोई एक कंपनी है जो कि साबुन बनाती है, तो वो जो है वर्किंग क्लास को एक तरीके से टारगेट कर सकती है, और जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनमें उनके लोकल इनकम ग्रुप के लोग भी आ जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर रिच पीपल्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, बिकॉज दे यूज यू नो थोड़ा सा महंगा वाला सोप एंड महंगा वाला शैम्पू, सो इट इज हार्ड फॉर देम टू सेल दोज यू नो सोप्स टू देम। बट लोअर मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास होता है उनके लिए ये सोप जो है बेच पाना, उनको ये सोप बेच पाना, साबुन बेच पाना बहुत ही आसान है, राइट। Once the target market is decided, the product is positioned in the market by providing appropriate product qualities, price, distribution and advertising efforts, है ना? तो जब आपने ये decide कर लिया कि आपका जो product है वो ये होने वाला है, ये आप market में लेकर के जा रहे हो, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि product की quality कैसी होगी, product को आपको तैयार करना पड़ेगा, product की pricing आप कितनी रखोगे, कितना price आप रखोगे, distribution में कितना cost होगा, कैसे इसका distribution होगा। और कोई भी product जब market में आता है तो एक बात समझना कि उसको marketing करने की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी product market में लेकर के आए, मैं गया market में देखा तो मैं आपके product को क्यों खरीदूंगा, है ना, जबकि मैंने आपका नाम ही नहीं सुना पहले कभी। तो इसलिए मार्केटिंग करने की जरूरत होती है। तो उसको भी यहाँ पे बोला गया है कि एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। दीज आर द एक्टिविटीज दैट दे परफॉर्म व्हेनेवर दे इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन अ मार्केट, राइट। Now, these and other relevant marketing functions are to be combined or mixed in an effective proportion so as to achieve the marketing goal. तो आपको अपने marketing goal को achieve करने के लिए इन सारे efforts जो मैंने अभी आपको गिनाए उन सबको लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को combine करना होगा, mix करना होगा, और एक साथ मिलकर के जो है आपको अपना goal के लिए काम करना होगा, है ना, तभी आप अपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स आप उनको पा पाओगे। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट दिस प्रोसेस इट इज इजियर टू डिवाइड द मार्केटिंग एक्टिविटीज इनटू फोर बेसिक एलिमेंट्स व्हिच आर टुगेदर रेफर टू एज मार्केटिंग मिक्स। तो इन्हीं सारे प्रोसेसेस को एक तरीके से अप्रिशिएट करने के लिए जो मार्केट है उसको, जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है उसको चार भागों में डिवाइड कर दिया गया, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग में ये चार काम जो है वो होते हैं, हमेशा लोगों को करना पड़ता है ना। कभी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे दिया, प्राइस जो है कभी गिरा दिया, कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है तो प्राइस आपने बढ़ा दिया, लेकिन ये चारों की चारों चीजें जो है आपका किसी ना किसी किसी सारे प्रोडक्ट में एक तरीके से इन्वॉल्व होता है। तो जो बेसिक फोर एलिमेंट्स हैं वो यही हैं,
एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो कि है प्रोडक्ट प्राइस, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर देता हूँ, अच्छा लगेगा, माफी चाहूंगा। यस, तो प्रोडक्ट हमारा है, फिर है हमारा प्राइस, एंड देन है प्रमोशन, राइट। तो बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से टर्म है जो कि आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ना, ये रहा ये चार। एज ऑल दीज फोर स्टार्ट विद द पी, दे आर रेफर टू एज फोर पीस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स और द फोर पीस इन मार्केटिंग, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे के सारे वर्ड जो है पी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको फोर पीस कहा जाता है या फिर पीस इन मार्केटिंग कहा जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी और भी बहुत सारे पीस जो है वो जुड़ गए हैं, अभी टोटल सात पीस है। फिलहाल हम बुक में चार पीस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कभी अगर मौका मिला तो मैं डेफिनेटली सारे के सारे पीस के बारे में आपसे बात करूंगा, बट फिलहाल हम चार पीस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। दस मार्केटिंग मिक्स में भी डिफाइंड, माफी चाहूंगा, द मार्केटिंग मिक्स में भी डिफाइंड, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, रुको थोड़ा आगे चले गए। तो इसको कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो दस मार्केटिंग मिक्स मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट द फर्म ब्लेंड्स टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इट वांट्स इन द मार्केट। लेट अस स्टडी द फोर पीस इन डिटेल, है ना। अब हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो अब देख लेते हैं, अब आपको अच्छे तरीके से समझना है कि मैं क्या समझा रहा हूँ। द वर्ड प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। प्रोडक्ट का मतलब होता है वो सारे गुड्स या फिर सर्विसेज जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर कर रही है। वन दे आर वन द नीड्स आर आइडेंटिफाइड, इट इज नेसेसरी टू प्लान द प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट कीप ऑन एनालाइजिंग वेदर द प्रोडक्ट स्टिल सेटिस्फाई द नीड्स नीड्स व्हिच वेयर ओरिजिनली प्लान फॉर इट एंड इफ नॉट टू डिटरमाइन द नेसेसरी चेंजेस। जो बात यहाँ पे बोली गई वो ये है कि प्रोडक्ट जो है वो एक तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी तरह का हो सकता है, तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट अपना चेक कर लेना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है। नाउ जब आपने अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको प्लान करना है कि आपका प्रोडक्ट जो है क्या अभी भी कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या नेसेसरी चेंजेस आप कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट और बेहतरीन बन पाए, है ना। तो प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, मार्केट में लाना है, और मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर के क्या रिस्पॉन्स है ये आपको चेक करना है। मार्केटिंग में यही होता है ना कि आप रिस्पॉन्स चेक करते हो, आप फीडबैक लेते हो, आप पता करते हो कि आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है। अगर ठीक से काम नहीं कर रहा तो फिर उसमें आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो प्रोडक्ट में ये होता है। यू विल लर्न दिस इन द ग्रेट डिटेल इन ब्लॉक टू, छोड़ो यार, When we talk about the new products are introduced, इसके बारे में हम ब्लॉक टू में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात यहाँ पे बोली गई है, जब भी हम पढ़ेंगे तब देखा जाएगा प्रोडक्ट क्या होता है और इसको क्यों समझना जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है। How they have to be modified in course of to continue to be the successful in sales and why marginal or non-profitable products should be removed, है ना। तो ब्लॉक टू में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से किस प्रोडक्ट को आपको कंटिन्यू करना चाहिए, अगर कहीं पे आपको लॉस हो रहा है तो क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप अपने सेल्स को कैसे आगे बढ़ाओगे, आपका जो मार्जिनल या फिर नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है उसको आप हटाओगे कि नहीं हटाओगे, ये सारी की सारी चीजें जो है एक प्रोडक्ट के बारे में जब आप सोच रहे हो तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट मिक्स में जनरली प्रोडक्ट को लेकर के इसी तरह के डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे कि कौन से प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा सही है। सपोज आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट्स बेच रही है लेकिन सेल जो है आपके दो ही प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो आप बाकी सारे 8 प्रोडक्ट्स पे अपना समय अपना पैसा क्यों बर्बाद करोगे, आप अपना 2 प्रोडक्ट पे ही फोकस करो, है ना। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि प्रोडक्ट मिक्स में आपको जो है इन इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होता है। दूसरा पॉइंट है प्राइस। प्राइस इज द मनी दैट द कंज्यूमर हैज टू पे। प्राइस वो चीज होता है जो कि कस्टमर को पे करना होता है उस प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए। प्राइस मस्ट बी कंसिडर्ड एज वर्दी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू बिकम एन इफेक्टिव मार्केटिंग टूल, है ना। तो प्राइस को आपको एक बहुत ही वर्दी प्रोडक्ट एक तरीके से मानना पड़ेगा ताकि आप इफेक्टिव मार्केटिंग टूल को इम्प्लीमेंट कर पाओ। आप अगर मार्केट में प्राइस को ठीक तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो प्राइस को समझने की बात यहाँ पे की जा रही है। द प्रोडक्ट हैज टू बी अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड। आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बहुत ही अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा बढ़ा के रख दिया, कम तो आप करोगे नहीं, आप बढ़ाओगे, तो ज्यादा भी नहीं बढ़ाना है, जितना होना चाहिए रीजनेबल प्राइस वही आपको रखना है। द मैन्युफैक्चर हैज टू टेक इनटू अकाउंट कॉस्ट फैक्टर्स, प्रॉफिट मार्जिन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स एंड
कंसेप्ट ऑफ द राइट प्राइस, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको एक तरीके से ध्यान देने की जरूरत होती है कि वो कॉस्ट फैक्टर्स के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, यू नो, जो पॉसिबिलिटी है उस सेल्स को अलग अलग प्राइस लेवल्स पे सेल करने का, कि क्या हम उसको सेल कर पाएंगे, उस प्रोडक्ट को नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीजों को एक तरीके से सोच करके मैन्युफैक्चरर को काम करना होता है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। प्रमोशन के बारे में आप बात कर लेते हैं। प्रमोशन, सो प्रमोशन इज द एस्पेक्ट ऑफ सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द टारगेट कस्टमर्स इन ऑर्डर टू परसुएट देम टू परचेज सच प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। प्रमोशन में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग करने के लिए आप लोगों को छोटे बहुत, यू नो, इसको सेल करते हो, एडवर्टाइज करते हो, कम्युनिकेट करते हो बेनिफिट्स जो भी आपके प्रोडक्ट के हैं वो कस्टमर्स के साथ, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, यू नो, कस्टमर के साथ आप बातचीत करते हो, उनके साथ कम्युनिकेट करते हो कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप लोगे तो कभी पछताओगे नहीं, ब्ला 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 ब्ला, ताकि आप उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इनकरेज कर पाओ। आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आप उनको इनकरेज कर पाओ कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, है ना। तो प्रमोशन में यही होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में उनकी अच्छाइयां जो है आपके अपने कस्टमर्स को बतानी होती है, ताकि वो अप्रोच करें, वो चाहें कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। इट इंक्लूड्स सेलिंग थ्रू एडवर्टाइजिंग एज वेल एज द सेल्स फोर्स। बिसाइड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रमोशन इज ऑल्सो डन थ्रू स्पेशल सीजनल डिस्काउंट्स, है ना। तो यहाँ पर डिस्काउंट्स देने की बात की जा रही है कि देखना सीजन्स में कभी कभी डिस्काउंट चलता है। जैसे अभी ठंडी का सीजन खत्म हो रहा है, आप अगर अभी बिग बाजार में जाओगे या कोई भी ऐसे दुकान में जाओगे जो कि ठंडी का कपड़ा रखता है, तो देखना वो बहुत सस्ते में आपको दे देगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द सीजन सेल चल रहा है, राइट। तो ये चीज जो होती है, स्पेशल डिस्काउंट आपने दे दिया या आपने कुछ, यू नो, प्रमोशन के नाम पे कुछ और कर दिया, इससे क्या होगा कि लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, देखेंगे अरे वाह डिस्काउंट में मिल रहा है, चलो जाके एक बार देखते हैं, कम से कम लेना ना लेना बात की बात है, पर देख लेते हैं। तो प्रमोशन में यह बात बोली गई। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, यू नो, मार्केटिंग का, क्योंकि अगर इस चीज के ऊपर अगर आदमी ध्यान नहीं देगा ना, तो उसको एक तरीके से काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द एस्पेक्ट ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू विच द प्रोडक्ट हैज टू मूव बिफोर इट रीचेस द कंज्यूमर, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे, किस वेयर हाउस में रखोगे, आपका लॉजिस्टिक्स किस तरीके से काम करेगा, जो आपका आपका प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर के पास इफिशियंटली, इफेक्टिवली, सही टाइम पे पहुंच जाए, है ना। इस चीज के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान देना होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लॉजिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सच एज वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ETC। अब इसमें सिर्फ पहुंचाना तो नहीं है, पहुंचाने के पहले आपको अपने प्रोडक्ट को सही जगह पे रखना भी होगा। सपोज कोई प्रोडक्ट दिल्ली से मेरे घर आ रहा है, तो दिल्ली से बंगाल वो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, है ना। हो सकता है कि उसको बीच में कहीं पे रोका जाए, कहीं पे वो रहेगा एक दो दिन के लिए, तो जहां पे वो रहेगा उसको हम वेयर हाउस बोलेंगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में जो आने जाने में जो चीजों का इस्तेमाल होगा उसको भी, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ मार्केटिंग, आई गेस, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नीडेड फॉर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको सिलेक्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है इसमें, है ना, टास्क होता है। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिसाइड वेदर इट शुड सेल थ्रू होलसेलर्स एंड देन टू द रिटेलर्स और वेदर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है, B2B होती है तो B2C होती है ना। तो B2C में क्या होता है कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, कि आपने अपने प्रोडक्ट को किसी बिजनेस को दे दिया, बिजनेस जो है वो कंज्यूमर को बेच दिया, या फिर तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाकर के बेच सकते हो। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे ये डिसाइड करना होता है कि वो डायरेक्टली होलसेलर को बेचेगा और फिर होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, या तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर को जाकर के बेच, तो ये भी चीज आप कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिसीजन जो है मैन्युफैक्चरर को लेना होता है, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन को लेना होता है। There are many ways in which the product can be moved from producer to consumer. तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप पहुंचा सकते हो। The optimum method has to be determined in terms of both consumer satisfaction and profitability of the organization. अब suppose आपने consumer satisfaction के ऊपर तो ध्यान दिया, लेकिन profit के बारे में आपने सोचा ही नहीं। आपने सोचा कि product को आज order किया, customer ने कल ही में पहुंचा दूं। लेकिन sometimes देखना, आप जब जल्दी कुछ करना चाहते हो तो उस चीज में खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो खर्चे अगर आपके ज्यादा हो गए तो प्रॉफिट मार्जिन आपका कम बचेगा, तो आप तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लोगे,
या लोगे भी तो मान लो शुरू के कुछ महीने कुछ साल जो है आप देखोगे कि कस्टमर को एक तरीके से एक्वायर करने के लिए मुझे ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि थोड़ा कम मार्जिन में मैं काम कर लूं, लेकिन ये लॉन्ग रन में सही नहीं होता है। लॉन्ग रन में आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन साथ ही साथ आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन दोनों को एक तरीके से देख करके बैलेंस करके आपको अपने बिजनेस को चलाना होता है, राइट। तो ये भी एक काम है जो कि यहाँ पे की जाती है। तो ये जो है यहाँ पे बोला जा रहा है। अगला बोल रहा है कि यू विल स्टडी अबाउट द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल इन ब्लॉक 4। जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है ना। तो देख लेते हैं कि पीछे और भी कुछ है या इसी पे खत्म हो जाए। ये इसी पे खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ये आखिरी पैराग्राफ है नीचे में, मैं इसको थोड़ा सा कड़ा देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। द मैन्युफैक्चरर मस्ट डिजाइन द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर बेसिक फैक्टर्स एज वेल एज द एक्सपेंडिचर ही वुड लाइक टू इनकर ऑन देम। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो चार फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेस, है ना, सॉरी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ये चार चीजों के ऊपर जो है डिसाइड करके जो है ऑर्गेनाइजेशन को काम करना होता है। उनको ये सोचना होता है कि वो किस तरीके से इन चारों को एक मिला करके जो है एक बेहतर कॉम्बिनेशन बना करके मार्केट में जा सके और अपने प्रोडक्ट को बेच सके, राइट। और उसको ये भी सोचना होता है कि क्या एक्सपेंडिचर इनकर होगा अगर मैं इन चारों को एक तरीके से मिक्स करके काम को करता हूँ। तो द वेरिएबल्स दैट आर रिलेवेंट इन द मार्केटिंग मिक्स वैरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो जो वेरिएबल्स होंगे वो भी कंपनी टू कंपनी वैरी करेंगे, ये तो श्योर है। दीज वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, देखो दीज वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इन देयर इफेक्ट ऑन द मार्केटिंग एफर्ट। वन वेरिएबल मे बी इन्फ्लुएंस द अदर, है ना। तो एक वेरिएबल हो सकता है कि दूसरे वेरिएबल को असर करे वगैरह वगैरह। यहाँ पे वही बात बोली जाइए कि चारों के चारों जो भी फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताया है कि सबको ध्यान में रखते हुए आपको जो मार्केटिंग मिक्स अपना तैयार करना होगा और अपने प्रोडक्ट को आपको सेल करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट को वॉच करो, वहाँ ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ बीकॉम की स्टडी भी स्टार्ट होने वाली है, तो जो बच्चे बीकॉम के हैं उनको मैं बोलूंगा या आप भी बोल देना कि भाई आ जाओ, सारे साथ में पढ़ाई करते हैं और एग्जाम को फोड़ते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। ख्याल रखो अपना, बाय।